सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है जम के बोलिए? शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है सोमवार अष्टमी। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाना। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। शक्ति 64 योगनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांध कर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए, महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी, शिव और आदिशक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास। काम बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा, मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ, उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला
सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। अब उससे निवेदन करेंगे, फिर कहूंगा अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, किसी परीक्षा को आपके बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, शिव को चढ़ाना थोड़ा सा। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ, प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर, लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा सफलता। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिवजी को चढ़ा कर, कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे, सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है इसलिए दीपावली पर कमल का फूल लक्ष्मी को समर्पित होता है, कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे, वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का, वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है, वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो एक कमल।